हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेल्दी फूड कुकिंग रेसिपी सेक्शन में आज हम बात करेंगे वेजिटेबल रवा उपमा की। देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। वेजिटेबल रवा उपमा बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी आधा कप सूजी की, जिसको कि हम रवा या सेमोलिना भी कहते हैं। एक गाजर, थोड़ी सी मटर और थोड़ी सी कॉर्न की, और इसको तड़का लगाने के लिए हम 8 से 10 कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक पैन में पानी को गर्म करेंगे। पानी हमें लेना होगा जितनी हमने सूजी ली है उससे 3 गुना। हमने यहाँ आधी कटोरी सूजी ली है तो हमें उसका 3 गुना, मतलब कि हमें 1.5 कटोरी पानी लेना होगा। इस पानी को हमें बॉयल आने देना है और इसमें हम आधा चम्मच नमक भी डाल लेंगे। इसी पानी के अंदर हम सब्जियों को सॉफ्ट करेंगे, पकाएंगे, जो कि हमने गाजर, मटर और कॉर्न्स ली हैं सब्जियां। उनको हम 1 by 1 इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और 5 मिनट के करीबन हम इस पानी को उबाल लेंगे ताकि सभी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। यहां हमने नमक इसलिए डाला है कि सब्जियों में भी नमक का एक फ्लेवर आ जाए। अब देखिए, सब्जियां पकनी शुरू हो गई हैं, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। हम इसको थोड़ी देर अभी और गर्म करेंगे ताकि सब्जियां थोड़ी सॉफ्टन हो जाएं। इस पानी को हम एक तरफ रख देंगे और दूसरे पैन में हमें सूजी को भूनना है। सूजी को भूनने के लिए हम लेंगे करीबन 2 छोटे चम्मच देसी घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, चाहे ओलिव ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर हम उसमें डालेंगे थोड़े से सरसों के दाने। अब जब ये दाने स्प्लेटर होने शुरू हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, जो कि हमने 8 से 10 पत्ते लिए हैं। उसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा भुनने देंगे। जब ये भुन जाएंगे तब हम इसमें अपनी सूजी को ट्रांसफ़र करेंगे और उसको भुनना शुरू करेंगे स्पैचुला की मदद से। थोड़ा रेगुलर चलाते रहेंगे, कहीं ये नीचे से ज़्यादा ब्राउन कलर की ना हो जाए। करीबन हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। बाकी आप खुद भी इसको ऑब्ज़र्व करते रहिए कितना टाइम लगने वाला है। थोड़ा सा दाना फूला हुआ हमें दिखाई देगा, थोड़ा वाइटिश सी ज़्यादा हो जाएगी और फिर धीरे धीरे ये कलर बदलेगी, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जानी शुरू होगी। जब हल्का सा कलर इसमें आना शुरू हो जाए तो हमारी सूजी भुन के तैयार हो गई है। अगर हम इसको रेगुलर नहीं चलाएंगे तो देखिए, जैसे मेरी सूजी में कहीं कहीं ज़्यादा ब्राउननेस आ गई है, वो आनी शुरू हो जाएगी। आप इसको बिल्कुल रेगुलर इवनली चलाते रहिए। अब इसमें हम थोड़ी सी मिर्च डाल लेंगे, ये आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है लाल मिर्च। अब वो जो हमने पानी तैयार किया था जिसमें सभी सब्जियों को सॉफ्टन किया था, वो पानी हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि ये सूजी गर्म है तो इससे छींटा हाथ पे आ सकता है, हमें इसका बहुत ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे वो सारा पानी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। नमक क्योंकि हम उस पानी में मिला चुके थे तो यहाँ पर हमें नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको रेगुलरली हम चलाते रहेंगे, सूजी में कोई लम्स ना पड़े। अब जब हमने सब मिला दिया पानी, तब यहाँ पर एक एडिशनल इंग्रेडिएंट जो कि इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को बहुत बढ़ा देगा, वो है कर्ड, दही। 2 चम्मच दही हमें इसमें मिला देनी है एंड उसके बाद फिर हम इसको रेगुलर चलाते रहेंगे। अब देखिए, कंसिस्टेंसी सी आनी शुरू हो गई है। अभी हमें इसको थोड़ी देर और चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे इसमें एक बाइंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। हमारा उपमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना टेम्प्टिंग उपमा बनकर तैयार हो गया है, वेजिटेबल उपमा।
और इसको कड़ी पत्ते से गार्निश कर लेते हैं। हमारा वेजिटेबल रवा उपमा बनकर तैयार हो गया है। कैरेट का ऑरेंज कलर और मटर का ग्रीन कलर इसको एक अलग ही ब्यूटी दे रहा है। ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही ये खाने में टेस्टी भी है। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये। काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस उपमा की। बच्चों को हम इसे ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं जब वो शाम को खेल कर आएँ, इवनिंग स्नैक में भी हम दे सकते हैं। साथ में जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं, जो लोग आजकल अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट रहेगा। एंड जो सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी कि बहुत देर तक ये टमी फिलिंग रहेगा, मतलब कि फाइबर अच्छी मात्रा में होने की वजह से ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और हमें काफ़ी देर तक, अगर मैं ये कहूँ कि हमें लंच तक भूख नहीं लगेगी तो ये बिल्कुल सही बात है। अब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी जानते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे हमें इस उपमा में। तो जो हमारा बेस इंग्रेडिएंट है रवा, जिसको कि हम सूजी या सेमोलिना भी कहते हैं, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, फाइबर है एंड बी विटामिन्स भी बहुत अच्छी मात्रा में हैं और आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो हम जब इस बेस इंग्रेडिएंट की ही बात कर रहे हैं तो ये हमारे हार्ट हेल्दी है, हमारे गट हेल्दी है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा एंड जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इसको ले सकते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे ब्लड में शुगर को रिलीज़ करता है। एंड जैसा कि मैं आपको पहले कह चुकी कि जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं उनको भी ये बहुत सपोर्ट करता है। अब जो हमने इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं, कैरेट, पीज़ और कॉर्न, इनके भी बेनिफिट्स थोड़े से डिस्कस करते हैं। ऑल दो हम सभी लोग जानते हैं कि कैरेट, गाजर में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, फाइबर होता है और विटामिन और भी कई विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम मटर पीज़ की बात करें तो उसमें मटर के लिए कहा जाता है कि बहुत लो कैलोरीज होती हैं, इसमें विटामिन ए सी के अच्छा सोर्स है इनका ये। अब आती है बात कॉर्न की। कॉर्न टेस्टी तो है ही है, बच्चों को बहुत पसंद है, सभी लोगों को बहुत पसंद है। साथ में कॉर्न के अंदर जो एक क्वालिटी है, एक तो हमारा टमी फिलिंग है, दूसरी चीज़ कि ये हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ को बढ़ाता है। हमारे इंटेस्टाइन में सभी लोग जानते हैं कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये कॉर्न उन बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो सीधा सीधा कनेक्शन हुआ कि ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो टोटैलिटी में अगर हम बात करेंगे इस रवा उपमा की, बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए एंड थोड़ा इसको अगर हम टेस्टी की तरफ रखेंगे, बच्चों को अगर हम खिला रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे। क्योंकि बच्चों के साथ हमारे सामने एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते एंड कोई भी चीज़ खाने में बहुत सारे नखरे होते हैं उनके, तो डेफिनेटली ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे फीडबैक दीजिएगा। साथ में इसे और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसे बनाएं, अपने ब्रेकफास्ट में इसको शामिल कर सकें और इसके बेनिफिट्स उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी वेबसाइट और ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप ये वीडियोस वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।